rolling up over black Cadillac, high heel boots and a... तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप कैंत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूं ऐसी वीडियो ऐसे बाइक के बारे में जो कि पूरे वर्ल्ड में जो राज करती है। आज मैं इसका सारा रिव्यू करने वाला हूं और ये पीछे मेरे जो बाइक खड़ा है ये है क्लासिक 350 क्रोम ब्राउन्स। चलो बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो ये दोस्तों आपके सामने बाइक खड़ी है, बाइक की ब्यूटी देखो आप, बाइक कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। और ये कलर का नाम है क्लासिक 350 क्रोम ब्राउन्स। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके व्हील से। जो व्हील्स हैं वो सारे क्रोम फिनिश में आ रहे हैं। इसका जो टायर साइज है वो 190 और 19 इंचेस का है। इसकी जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है आप देख सकते हो, जो बुलेट 350 की डिस्क ब्रेक है वो इधर आती थी और इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो राइट साइड में आ रही है। और आप देख सकते हो बहुत बड़ी डिस्क ब्रेक है, ये डबल चैनल ABS है दोस्तों। और इसका जो साइज़ है वो 300mm का साइज़ है दोस्तों। और साथ में ये देखिए आपने क्रोम और ब्लैक में टच दिया हुआ है इसको। बात करते हैं दोस्तों इसके मडगार्ड की। तो मडगार्ड आप देखोगे सारा अच्छी क्वालिटी का, सारा मेटल में दिया हुआ है, क्रोम फिनिशिंग में सारा इसका मडगार्ड आ जाता है दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की दोस्तों। हेडलाइट जो है वो ही हेलोजन टाइप हेडलाइट आती है और ऊपर पायलट लैंप दिए हुए हैं, वो भी मतलब बल्ब टाइप है दोस्तों। और इसके सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक है, 130mm जो ट्रैवल करते हैं दोस्तों। और बड़े ही अच्छे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके क्रोम फिनिशिंग में राउंड शेप में इसके इंडिकेटर्स दिए हुए हैं दोनों। और फ्रंट में जो उसका ग्लास आ रहा है इंडिकेटर का वो ऑरेंज कलर में आ रहा है। बात कर लेते हैं इसके मिरर की दोस्तों। मिरर आप देखोगे सारे क्रोम फिनिशिंग में दिए हुए हैं। इसके बाद बात कर ले हैं इसके हैंडल की। हैंडल की ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। हम बात कर लेते हैं इसके मीटर की दोस्तों। और मीटर स्लाइटली चेंज है यहाँ पे, काफ़ी कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइन आ रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स के। आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी का साइन आ रहा है, इसके साथ ABS का साइन आ रहा है, इसके साथ आप देखो कि वही अब इसका फ्यूल पंप का साइन आ रहा है। और यहाँ पे रिजर्व इंडिकेशन भी आ रही है और साथ में हैजर्ड साइन जो आते हैं इसके इंडिकेटर्स के और उसका साइन भी दोस्तों यहाँ यहीं पर आता है। न्यूट्रल का साइन आ जाएगा और पार्किंग लाइट का साइन आ जाएगा, डिपर का साइन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आ गया इसका छोटा सा एक डिजिटल मीटर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप फ्यूल का आप यहाँ पे देख सकते हो और ट्रिप मीटर आता है यहाँ पे, ट्रिप वन, ट्रिप टू एंड ट्रिप एफ में ऐसा है। ट्रिप एफ में अगर आपकी गाड़ी का तेल जो है वो कम हो रहा है तो यहाँ पे इंडिकेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड 350 लिखा हुआ है दोस्तों। ये जो वर्जन है क्रोम, ये एक ही ऐसा मॉडल है जहाँ पे आप इसको नेविगेशन सिस्टम में कन्वर्ट करा सकते हो। ऑनलाइन MIY ऐप होती है इनकी, उसके थ्रू आप इसको बुक कर सकते हो ऑनलाइन और आपका जो बाइक है वो नेविगेशन सिस्टम के साथ लग के आएगा दोस्तों। बाकी हम इसके हैंडल पे जो भी इसके स्विचेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बड़ा अच्छा पास का यहाँ पर स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप काफ़ी कुछ जो चेंजेस इसके जो मीटर के चेंजेस हैं आप वो कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे इंडिकेटर की इंडिकेशन आ जाती है, यहाँ पे हॉर्न हो गया और इधर वाली साइड पे जो पहले सेल्फ वाला बटन आता था ऐसे आता था, अभी आप देख सकते हो सेल्फ स्टार्ट है और यहाँ पर इंजन ऑफ भी हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फ्यूल टैंक की। और फ्यूल टैंक जो है इसका 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और जो कि बड़ा ही अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की सकते हो ब्राउन कलर से पेंट हुआ हुआ है। और जो बुलेट 350 की जो लाइन आती है, जो हैंड से जो बनाते हैं लाइन्स, वो एक बुलेट 350 और सेकेंड ये मॉडल आया है दोस्तों जिसमें ये वाली लाइन आ रही है दोस्तों। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हो। और यहाँ पे सारा क्रोम फिनिश में दिया हुआ है और
ये आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का जो लोगो जो 650 में आता है दोस्तों वाला आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसके बाद आप देख सकते हो जो क्लासिक की जो टैंक पैड आते हैं, जो थाई पैड आते हैं, आप वो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं दोस्तों। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, ड्यूल सीट है दोस्तों। और ड्यूल सीट जो है इस बार इन्होंने इसमें से जो स्प्रिंग है वो यहाँ से निकाल दिए हैं, उसके लिए आपके लिए आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लगवाना चाहते हो तो वो आप एक्स्ट्रा एसेसरीज में आप उसको लगवा सकते हो दोस्तों। जो उसकी ग्रैब रेल है पहले से बड़ी कर दी है। पीछे वाले जो शॉकर हैं वो सिक्स वे एडजस्टेबल शॉकर है दोस्तों। सेकंड बात कर लेते हैं इसकी बैक टेल लाइट की, जो कि एलईडी में है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी राउंड शेप में दी हुई है। और लास्ट में आप देख सकते हो इसका जो टायर साइज है वो 120/80/18 इंचेस का इसका टायर दिया हुआ है दोस्तों। फिर आप देखोगे इसका जो साइलेंसर है वो सारा क्रोम फिनिश में दिया हुआ है, स्टार्ट तो एंड तक आप देख सकते हो दोस्तों। अब इसके हम चैसी की बात कर लेते हैं, और चैसी जो इसकी आ रही है ये ट्विन डाउन ट्यूब फ्रेम में आ रही है, जो कि आप देख सकते हो जो मेटेओर आ रहा है या इंटरसेप्टर आ रहा है 650, उसमें भी ट्विन ही आ रही है। तो इसमें ये बेनिफिट होगा कि जब ये गाड़ी रोड पे चलेगी तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, और जो वाइब्रेशन है वो ना के बराबर होगी। जो पहले आती थी चेसी क्लासिक में वो सिंगल डाउन ट्यूब आती थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन की, और इंजन की बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो इंजन आ रहा है, ये इंजन आ रहा है J1 सीरीज का इंजन। ये आप देख सकते हो यहाँ पे J1 लिखा भी हुआ है, जो पहले UCE इंजन आता था अब J1 सीरीज का इंजन आता है। ये सेम मेटेओर वाला इंजन है दोस्तों, और ये इंजन 349 cc का इंजन है, जो कि सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है दोस्तों। ये जो BHP क्रिएट करता है ये 20.2 BHP क्रिएट करता है, और इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क है दोस्तों वो 27 Nm टॉर्क है। अब मैं दोस्तों इसको स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि इसकी आवाज़ इसका साउंड कैसा आता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने सारा रिव्यू आपको दे दिया है, और अभी पहले मैं इसकी एक छोटी सी टेस्ट राइड लेके देखता हूँ। थोड़ी बारिश है, थोड़ा मैं बाहर ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसके ऊपर। भाई ब्रेकिंग और इंजन का मज़ा ही कुछ और है, आप एक बार टेस्ट राइड लेके देखना। मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि आपका दिल आ जाएगा इस बाइक के ऊपर। तो दोस्तों टेस्ट राइड मैंने ले ली, और टेस्ट राइड बहुत ही मज़ेदार रही दोस्तों। और अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका प्राइस क्या है। मैं अभी खड़ा हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, अष्टावक्रा ऑटो जो कि है लुधियाना में। और यहाँ का जो प्राइस है लुधियाना पंजाब का, वो प्राइस है 218,450 रुपये, जो कि ऑन रोड पड़ता है 256,000 ऑन रोड, जो कंप्लीट है, जिसमें आपको 5 साल की इंश्योरेंस और साथ में रजिस्ट्रेशन और वारंटी इसमें जो कंपनी की तरफ से मिल रही है वो मिल रही है 3 साल और 30,000 किलोमीटर। और सेम एज अदर मॉडल्स आपको रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल हेलमेट जो है वो आपको साथ में मिलेगा, और साथ में 1 साल की रोड साइड असिस्टेंस जो है वो भी आपको साथ में मिलेगी। मैं आपको पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, जो ये डीलरशिप है, मैं इसका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके साथ, जो स्कीम्स वगैरह लेनी है जहाँ वो कोई चीज़ की जानकारी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।